देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। कोटद्वार में आज सुखरो देवी मंदिर समिति के चुनाव संपन्न हुए। समिति के सदस्य राजाराम अंथवाल ने बताया कि पिछले 7 सालों से मंदिर समिति के चुनाव नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण मंदिर परिसर में पीने के पानी की समस्या, अवैध पार्किंग सहित कई परेशानियां हो रही थी। लेकिन अब समिति के नियमों का पालन करते हुए 15 कार्यकारी सदस्य बनाए गए, जिनमें से अध्यक्ष पद पर गिरीश चंद्र जखमोला, उपाध्यक्ष पद पर राजाराम अंथवाल, सचिव विजय कुमार ध्यानी, कोषाध्यक्ष सत्य प्रकाश भारद्वाज, सह सचिव वीरेंद्र रावत और ऑडिटर विपिन बर्थवाल निर्वाचित हुए हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विगत 7 वर्षों से इस सिद्धपीठ शुक्रो देवी समिति के चुनाव नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद बायलॉज के अनुसार तदर्थ समिति गठित की गई और तदर्थ समिति के बाद चुनाव समिति गठित की गई, उसके द्वारा क्या बोलते चुनाव कराए गए। 15 कार्यकारी सदस्यों को चुना गया, निर्भुण चुने गए और आज 19 कार्यकारी सदस्यों में 15 में 6 पदाधिकारियों का आज विधिवत चुनाव, निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर श्री गिरीश चंद्र जखमोला जी निर्वाचित हुए और स्वयं मैं उपाध्यक्ष पद में निर्वाचित हुआ हूँ। सचिव पद पे श्री विजय कुमार ध्यानी जी निर्वाचित हुए, कोषाध्यक्ष पद पे श्री सत्य प्रकाश भारद्वाज जी निर्वाचित हुए, सह सचिव पद पे वीरेंद्र रावत जी निर्वाचित हुए, ऑडिटर पे विपिन बर्थवाल जी निर्वाचित हुए।